ये देख परी, ये क्या हो गया हमसे? तू पापा जी बेहोश, इन्हें होश में आने से पहले हमें इन्हें घर से बाहर निकालना होगा। इन्हें निकालने के साथ साथ इनका इलाज करवाना होगा हमें। कैसा इलाज? कोई जरूरत नहीं, मरने दे इसे। इस इंसान को जिंदा रहने का हक ही नहीं। तो ऐसा मत कहिए, अगर हम भी पापा जी की तरह हो जाएंगे तो हमें और पापा जी में फर्क ही क्या रह जाएगा? और अभी घर में सब लोग सोए हुए हैं, हम लोग जल्दी से ऑटो रिक्शा कर पापा जी को पहले अस्पताल छोड़ाते हैं। अरे लेकिन तू इसे इस तरह ले जाएगी तो कोई देख लेगा। हे भगवान, कैसे इस मुसीबत से छुटकारा मिलेगा? हम भी वही सोच रहे थे। तो हम कुछ करते हैं। ये पटर पटर कैसी हो रही है? अम्मा और परी, या ये सब क्या हो रहा है? परी, क्या कर रही है? क्या है इसमें? मैं पूछ रही हूँ, इस बोरी में क्या है बताना, क्या है इसमें? भावना, वो स्टोर रूम में कुछ बेकार का सामान और कुछ कचरा पड़ा हुआ था। खोलेगी बोरे को तो बदबू आएगी और तेरे हाथ भी गंदे हो जाएंगे। मैंने इससे कहा था कि ये सब समेट के बाहर फेंक दे। हाँ जी माँ साहब, वो जल्दी तैयारियां शुरू हो जाएंगी ना घर में, तो हमने सोचा थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं। तो जा, जाके आराम कर। माँ साहब, पंचांग के हिसाब से शीघ्र विवाह की तिथि 2 महीने बाद की है। पंडित जी, इस 1 हफ्ते के अंदर अंदर कोई तारीख बताइए। इतनी जल्दी? हाँ जल्दी है जी। जी हाँ, वैसे अगर तैयारी हो सकती है तो 3 दिन के बाद का ही शुभ मुहूर्त है। धन्यवाद पंडित जी। अम्मा, यानी कल हल्दी मेहंदी और परसों शादी। कब से इंतजार कर रहा था वो भावना देवी के रिकॉर्ड फाइल की तरह। सर फाइल नहीं मिल पाई क्योंकि मैं रिकॉर्ड में नहीं जा सकता। तो मुझे क्या अपनी शक्ल देखने के लिए बुलाया? सर मैं नहीं जा सकता, लेकिन आप जा सकते हैं इस एक्सेस कार्ड की मदद से। अरे सर कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने तो कहा अभी। सर आप एक काम सिर्फ नाइट में कर सकते हैं, अभी सिक्योरिटी बहुत टाइट है, दोनों पकड़े जाएंगे। आज रात भावना देवी के रात के कड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे।